हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन स्टडी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप पीछे इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं 8.1 का, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, प्लेलिस्ट हम बना देंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि गिवेन 15 कोटे इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो फर्स्ट यहाँ पर फ्रेंड बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 15 कोटे, तो इसको लिख लीजिए 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे से आपका निकल के आएगा फ्रेंड कोट ए इज इक्वल टू 8, और जो साथ में होगा 8 बाई 15। अब कोट ए का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड? तो कोट ए का वैल्यू होता है, तो आपके पास कोट ए का फॉर्मूला होता है बी बाई पी, यानी कि बी का वैल्यू आपके पास 8 मिल गया और पी का वैल्यू 15 मिल गया। अब यहाँ से आप h निकाल लीजिए, तो h का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? h इज इक्वल टू होता है रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना है फ्रेंड? 15 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ b का वैल्यू कितना है फ्रेंड? 8 का स्क्वायर। तो फ्रेंड अब यहाँ पे आपके पास 15 का वैल्यू कितना आएगा? 15 स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आएगा 225। तो आपके पास आएगा फ्रेंड 225 प्लस 64। इसको अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो आपके पास आएगा फ्रेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा रूट में 5 और 4 9 एंड 6 और 2 8 और फिर 2, यानी कि आएगा फ्रेंड 289 आएगा फ्रेंड, जो किसका होता है? जो हमारे पास आता है 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमारे पास h का वैल्यू कितना मिल गया फ्रेंड? h इज इक्वल टू हमको मिल गया 17। अब ठीक है, अब साइन का वैल्यू निकाल दीजिए जो पूछ रहा है। तो साइन a इज इक्वल टू क्या होता है? p बाई h। तो p का वैल्यू क्या है फ्रेंड हमारे पास? तो p इज इक्वल टू है हमारे पास 15, और h अभी हम लोग निकाले 17। इट इज फर्स्ट आंसर। एंड अब निकालना है sec a। तो आपको पता होगा फ्रेंड सेके इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट कोसे इज इक्वल टू होता है बी बाई एच, तो सेके इज इक्वल टू होता है एच बाई बी। तो एच का वैल्यू कितना है फ्रेंड? 17 हम लोग यहाँ निकाले हैं, तो 17। एंड देन बी का वैल्यू कितना है? तो बी इज इक्वल टू 8 है, 8। एंड दैट्स आंसर। तो ये था फ्रेंड आपके फोर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।